नमस्कार, मैं एकता गुप्ता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। हमारे संवाददाता रिजवानुद्दीन की इस खबर पे डालते हैं। यूपी के फतेहपुर जिले में नशे में धुत दरोगा ने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से युवक को गोली मार दी, जिससे युवक की हालत गंभीर हो गई और इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने युवक की हालत नाजुक देखते ही प्राथमिक उपचार के बाद कानपुर के लिए रेफर कर दिया है, जहां युवक का इलाज चल रहा है। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी दरोगा को मौके से गिरफ्तार करते हुए पीड़ित के तहरीर पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई में जुट गई है। आपको बता दें कि जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र के हरिहरगंज इलाके के साकेत नगर के रहने वाले दरोगा राजेंद्र प्रताप सिंह कानपुर देहात में तैनात है और पड़ोसी राम प्रवेश सिंह से किसी बात को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद नशे में धुत दरोगा ने लाइसेंसी रिवॉल्वर से फायर कर दी, वहीं जिससे गोली पड़ोसी युवक मयंक को लग गई, जिससे युवक की हालत गंभीर हो गई और इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने युवक की हालत नाजुक देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद कानपुर के लिए रेफर कर दिया, जहां युवक का इलाज चल रहा है। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी दरोगा को मौके से गिरफ्तार करते हुए पीड़ित की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई में जुट गई है। हंगामा टाइम्स ब्यूरो। जी भैया, क्या घटना हुई है, किसने मारा है आपको? किसी से लड़ाई कर रहा था और पता नहीं घर के अंदर से गोली चला, मेरे लग गई है। अच्छा, किसने गोली मारी है? कौन है ये? दरोगा है, उन्होंने गोली मारी है। किस वजह से? जय श्री राम मारती है। अब क्या नाम है आपका? अठारह तीन 22 को साकेत नगर हरिहरगंज थाना कोतवाली नगर फतेहपुर में जनपद कानपुर देहात में नियुक्त SCP राजेंद्र प्रताप सिंह द्वारा पड़ोसी राम प्रवेश सिंह से हुए विवाद में फायर कर देने से पड़ोस के ही मयंक गुप्ता उम्र लगभग 16 वर्ष के पीठ में गोली लग गई थी, जिसका प्राथमिक उपचार जिला अस्पताल में कराने के बाद कानपुर के लिए रेफर कर दिया गया था। मजरूह के पिता के द्वारा थाने पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। SCP राजेंद्र प्रताप सिंह को पुलिस हिरासत लेकर पूछताछ की जा रही है। इनके पास BB रेलगन का लाइसेंस है, बंदूक को कब्जे में लिया गया है, अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है।